थिंक इट्स अ ग्रेट, मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये बात यू नो कही थी कि ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ पैजेंट है, क्योंकि इसमें मैरिड वुमेन को सेलिब्रेट किया जा रहा है फ्रॉम द किचन टू द रैंप. मतलब एक एक वुमन है जो वुमन ऑफ सब्सटेंस भी है, ब्यूटी क्वीन भी है, टैलेंटेड भी है, बच्चे भी संभालती है, घर भी संभालती है, पति की देखभाल भी करती है, अपनी फैमिली की देखभाल भी करती है. तो इतने सारे रोल्स प्ले करना, आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल एंड अ बिग सल्यूट टू ऑल द पीपल जिन्होंने ये भारत आइकॉन अवार्ड्स आज यहाँ पे कर रहे हैं. मैम यहाँ पर जिसने पार्टिसिपेट किया वो ऑलराउंडर है, मैरिड वुमन होने के बावजूद वर्किंग वुमन भी है, तो कितना डिफिकल्ट होता है सब कुछ मेंटेन करना. आई थिंक इट्स अमेजिंग. मैं कुछ बैक स्टेज कुछ लोग कन्वर्स कर रही थी कुछ कंटेस्टेंट्स के साथ, तो वो कुछ तो सोशल कॉजेज में भी बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं. मुझे बहुत अच्छा लगा कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ब्यूटी, इट्स अबाउट द ब्रेन ऑल्सो, ब्रेन ऑल्सो, यू नो. सो मैम इसके अलावा आप परफॉर्म भी करने वाले, कितना एक्साइटेड है परफॉर्मेंस? आई एम एक्साइटेड क्योंकि जो मेरा गाना है आई एम अ वुमन आई एम अ गर्ल, वो इन वुमेन के लिए ही डेडिकेटेड है. वुमेन की वुमेन एम्पावरमेंट, ब्यूटी ऑफ वुमेन, सब वुमेन ऑफ सब्सटेंस, सब कुछ उसमें इस गाने के थ्रू आप सबको सुनने को मिलेगा. और वुमेन ऑफ सब्सटेंस के लिए आप रैंप अप कर रहे हैं अर्चना कोचर जी के लिए, तो कौन से अटायर आप वेयर कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं. सो आई एम वेयरिंग अर्चना कोचर एंड आई थिंक शी इज़ माई वन ऑफ माई फेवरेट डिज़ाइनर्स. मतलब मैंने कितने सैकड़ों फैशन शोज में उनके लिए वॉक किया है, गाने गाए हैं. आई थिंक हमारी एक बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग है. She understands what looks good on me and mera sabse zindagi ka sabse bada jo show tha, which was for the opening ceremony of Commonwealth Games, usme maine Archana Kochar ka gown pehna tha and I found that her clothes are very lucky for me. Okay, thank you.